पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर पुलिस परेड ग्राउंड पर पुलिस के अधिकारियों एवं प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों ने योग के विभिन्न कलाओं के माध्यम से योग करते हुए स्वच्छ भारत का संदेश दिया। इस मौके पर योगाचार्य द्वारा योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, ASP रोहन प्रमोद बोत्रे, CO कोतवाली BK सिंह, CO चौरी चौरा सुमित शुक्ला, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह, पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे, रमेश सिंह, हिसामुद्दीन खां, नंद यादव, सुभाष सहित अन्य पुलिसकर्मियों तथा महिला रिक्रूट आर्ची मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO सुमित शुक्ला, VP सिंह, ASP रोहन प्रमोद बोत्रे व SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा। एक जाता है और किया जा रहा है भागे जथा। इसका ये है कि हमारा कर्तव्य होता है ताकि लोग अपना स्वास्थ्य लाभ इस लोग बोल लिया गया है। सबसे पहले इसमें जो गले को गले का एक्सरसाइज करते हो, पहले पूरा एकदम चीर के सटाइए, फिर पीछे की तरफ ले जाएं, राइट हैंड सांस को लेते हुए जाएं। कान किसका चलेगा, गर्दन में अकड़ है कि सॉफ्ट है, मुलायम है? एक बार फिर इधर, दूसरी बार भी, दो बार, एक और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाहर, एक और फिर दो, डालते हुए अपने दाहिने तरफ राइट बैंड करेंगे, हमारे अपोजिट राइट बैंड इधर करेंगे, पीछे दबाइए पूरा, पैर में हल्का सा गैप रहेगा, अपने कंधे के बराबर गैप रहेगा पैर में, फिर एक बार और ले जाएं, श्वास लेते हुए जाएं, फिर एक बार आ जाएं, फिर बाएं तरफ और फिर हाथ नीचे कर एक टच यहाँ होना चाहिए, हाँ, जिसका नहीं टच हो रहा वो समझ जाए क्या पोजीशन है। उल्टा भी, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, तीन चार बार कर ले। ये सब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में जो आसन किए गए हैं वही सारे आसन जो है कराए जा रहे हैं। दोनों हाथ आगे, चेयर पोज, उत्कट आसन, सीधा एकदम, जिनको घुटने में बहुत दर्द होगा वो थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे और मैं जवानों को तो रोक के रखूंगा इसी पे। फिर ऊपर उठ जाएं, लंबी गहरी सांस ले लें, फिर एक बार नीचे बैठ जाएं, थोड़ा सा और नीचे, और जो लोग को दिक्कत होगी उन लोगों के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जवानों के लिए विशेष ध्यान दे रहा हूँ, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और बैठ जाइए, थोड़ा सा बहुत करना चाहिए, पूरा योग को जो है योग मस्ती के साथ होनी चाहिए, बैठ जाइए ऐसे। ये दोनों, अगर ये किसी का नहीं सट रहा है तो ये आज से कल से ये काम शुरू कर दीजिए कि दोनों तरफ दो आदमियों को खड़ा करके इसको रोज दबवाना शुरू कर दीजिए, पूरी पैल्विक अच्छी तरीके से ये सब बढ़िया से खुल जाएगा। और इसको सीधा सीने को बाहर निकाल के, और हिलाना नहीं है इसको, बस केवल इसको जोर से चेस्ट को बाहर खींचना है, पेट को अंदर की तरफ, और गहरी गहरी सांस लेनी है। ३० लोगों का पैर ऐसे है, कम से कम 30% है जिनका पैर इस तरह है, उनको अगर आसन कराया जाएगा तो धीरे धीरे कम से कम 2-3 महीने लगेंगे खुलने में। ये पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पूरा जमीन पे जाना चाहिए, गिरना नहीं है, एकदम सीधा बैठना, अगर गिर रहा है तो यहाँ ऐसे सीधा हाथ लगा ली, आपस में दबे रहना है, लंबी गहरी सांस लेंगे, इससे आपका फेफड़ा बहुत मजबूत है, लंग्स
और डबल चिन गले के यहाँ नीचे डबल चिन जिन लोगों को निकल जाती है इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कैमल पोज, हाफ कैमल पोज इसको बोलते हैं। एक बार फिर आइए आगे, फिर एक बार सांस लेते हुए पीछे जाएं। जमीन पे लेट जाइए और बैक साइड भी पीछे बड़ा वो ऊपर नहीं उठेगा, नीचे ही रहेगा। तरकीब रख खींचिए कि पेट बस इतना मेरा अच्छा सा हो जाए। फिर नीचे सिर पर रख लीजिए, सिर पे आराम से एक बार सांस लेते हैं। फिर एक बार और खींचिए पूरा जोर से। देखिए सबसे बढ़िया सारे लोगों का हो गया, बहुत बढ़िया। शासन इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन एकदम बढ़िया होता है, आपके शरीर का बैलेंस होता है, जो रहते बार बार उनका पैर मुसक जाता है या डिसबैलेंस हो जाते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा आसन है। इसमें ध्यान और फिर शरीर का बैलेंस धीरे धीरे नीचे जाए पूरा जमीन पे, जमीन पर पाद हस्तासन, हाथ और पैर को और सिर को अपने पैरों से सटा दें, सिर को अपने घुटने से लगा दें। हम जाने सबका लग गया होगा। धीरे से हाथ के ऊपर उठाइए, फिर एक बार जाइए पीछे की तरफ। थोड़ा सा प्रेशर करते हैं, पेट को खींचते हैं और फिर आगे की तरफ, फिर जाइए नीचे तक पाद हस्तासन। बहुत बढ़िया, ये पेट का आसन है, रिलैक्स। और अपने अंगूठे को टच करिए, अपने अंगूठे को, घुटना नहीं मुड़ेगा, बिल्कुल त्रिकोण, कई प्रकार के कई त्रिकोण एक साथ हमारे जो है शरीर में बनते हैं। वज्र नाड़ी हमारी खींचती है जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। एक बार ऊपर आ जाएं, फिर अब दूसरी तरफ अपने पैर को चेंज करेंगे, इधर का पैर, और फिर सांस लेते हुए दूसरी तरफ जाएं। और अपने हथेली को देखें ऊपर, अपने हथेली को, हथेली मेरी तरफ। मगरमच्छ का आसन, मगरमच्छ से लिया गया आसन, मकर आसन। जोर से बटक पे लगना चाहिए, मारिए जोर से, पीछे पूरा चोट लग रहा है। कुंडलनी आसन भी इसको कहीं कहीं लोग कहते हैं। दोनों पैर एक साथ, थाई आपस में सटी रहनी चाहिए। अब उसको लाइए, अब थोड़ा खिंचाव बढ़ जाएगा। फिर एक बार और, जिनको बहुत कड़ा है वो धीरे धीरे अगर करेंगे तो चार पांच दिन में, हफ्ते भर में और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर तो सांस निकालते हुए नीचे की तरफ सांस ले लीजिए, रिलैक्स। अब दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाइए, बिना मोड़े, बिना मोड़े। उठ रहे क्या? हाँ, 10% उठ गया, रिलैक्स। एक बार देखने कैसे उठाना है। चलिए दोनों पैर को मोड़ लें, हाथ फैला लें, हाथ को बंदर को मरकट कहते, उस्कंदासन, कमर को। हाँ, ये जो कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है, और खींच के उसको सटाइए। और जिनका नाक सट जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नाक सट जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा पैर, जितनी काउंटिंग में लीजिए उतनी काउंटिंग में बाहर निकाल, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग में बाहर निकालते हैं। जिसकी जितनी गहरी सांस होगी उसकी उतनी लंबी निकालिए, तब आपका आपके सांस से आपका नियंत्रण करते हैं। प्राणायाम की परिभाषा ही यही है, जो हम सांस ले रहे हैं उसको हम तो जनरल जो सांस है उससे अलग हो गया, यानी अपने सांस के गति को लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि करने के बाद बिल्कुल शरीर हल्की, मन एकदम शांत हो जाता है, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो रुक जाती हैं। अगर आप 24 घंटे में आप 10 मिनट भी थोड़ी देर के लिए अपने मन को स्थिर कर लेते हैं,
राष्ट्रीय योग दिवस के पुलिस लाइन प्रांगण में सभी अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा योगा किया गया। योगा का अपना जीवन में एक महत्व है, शारीरिक के साथ एक मानसिक रूप से आपको सुदृढ़ करने के लिए योग का बहुत महत्व है। उसी के मद्देनजर आज पुलिस लाइन में कार्यक्रम कराया गया। राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को बधाई और इसी तरह से योग का निरंतर अभ्यास करें और जीवन में ढालें, स्वस्थ जीवन अच्छा जीवन रहे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना बढ़िया पुलिस लाइंस में, गोरखपुर पुलिस लाइंस में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। सभी हमारे अधिकारीगण और रिक्रूट कांस्टेबल यहाँ पे मौजूद रहे और यही से ये एक संदेश दिया जा सकता है कि योगा एक आपका मानसिक और एक संतुलन, आपके शारीरिक संतुलन बनाता है, तो इसको करते रहिए और योगा को एंजॉय करके कीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हम लोगों ने पुलिस लाइन ग्राउंड में ये योगा किया है, सभी हमारे ऑफिसर्स और रिक्रूट कांस्टेबल्स और स्टाफ रहा है, बहुत ही आनंद आया। और योगा तो डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए और मैक्सिमम लोग करते भी होंगे।